हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ जमालपुर के एक ओल्ड ईंटा बनाने वाला भट्टा है उधर आज हम एक लाइव आर्ट करने के लिए आए हैं। कितना देखो कितना बढ़िया प्लेस है ये, बिल्कुल ओल्ड टाइप के पैरेट भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छे। लुक इट वेरी नाइस फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एक लाइव आर्ट वीडियो बनाएंगे। जो व्यू है, व्यू हमने ये सेलेक्ट किया है और बहुत ही सुंदर व्यू है। एक ट्री है और साथ में एक ओल्ड मोटर है पानी वाली, ठीक है। तो आज हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, लाइक करना आप वीडियो को। और वाटर कलर टेक्निक में बनाएंगे आज हम, चारकोल मेथड नहीं यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा व्यू बनाया है। नेक्स्ट संडे हम इस चिमनी को बनाएंगे, बहुत सुंदर है ये। देखो बीच बीच में जैसे पैरेट का भी व्यू आ रहा है इसमें, बहुत सुंदर है। और ये देखिए कितना, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ओल्ड प्लेस के अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव आर्ट टेक्निक, वाटर कलर वाश टेक्निक। ओके ओके फ्रेंड्स। है वैसा ही व्यू आपने ये बनाना है, जैसे अकॉर्डिंग टू पिक्चर आपने चलना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आपने इस पिक्चर को पूरा करना है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग टू आइज लेवल आपने इस वर्क को करना है, ठीक है। और जैसे आपको लाइव आर्ट का मीनिंग होता है कि आपको जैसे पिक्चर दिख रही है वैसी की वैसी पिक्चर आपने बनानी है, ठीक है। चाहे वो कोई भी ओल्ड लगाओ, चाहे वो कोई ट्री स्टडी लगाओ, कोई भी स्टडी लगाओ आप। अगर आप रियलिस्टिक बना रहे हो तो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही पिक्चर को भी, पिक्चर का व्यू आपने दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने हल्का फुल्का जो ड्राइंग का वर्क है वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इसमें आपने रेजर वगैरह यूज़ नहीं करनी, ठीक है। करना चाहते तो कर भी सकते हो, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली ड्राइंग कर रहे हैं। हम इसमें प्रॉपर इसमें कोई डिटेल वर्क नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमें इतना आइडिया लग जाएगा कि हमने जो पिक्चर किस तरीके से बनानी है और वो एज इट इज़ वैसे बनी है या नहीं बनी, बस एक आइडिया लिया हमने, ठीक है। आइडिया लेने के बाद जो वर्क हम कंप्लीट वर्क करेंगे वो ओवरऑल वर्क सब कलर से होगा हमारा, ठीक है। कलर भी हमारी वाश टेक्निक यूज़ करेंगे हम, डिटेल टेक्निक इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वाश टेक्निक में हम डार्क टू लाइट ही निकाल के हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। जैसा आप पिक्चर में आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पिक्चर को देखना है, पहले व्यू को, कि आपका आइज लेवल कहाँ पर सही बैठता है और आप किस तरीके से इसको मैनेज करके बना सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने ये ड्राइंग का जो वर्क है कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हम वैसा का वैसा व्यू यहाँ पे आज बना रहे हैं, ठीक है। दूर और नज़दीक का जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है वो आपने ध्यान में रख के ही चलना है, क्योंकि जो चीज़ दूर है उसको छोटा दिखाओगे और जो चीज़ नज़दीक है उसको बड़ा दिखाओगे, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कलरिंग के ऊपर आ गए हैं, कलरिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कलरिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि वाश स्ट्रोक लगाना है, वाटर ज़्यादा यूज़ करना है आपने, और
क्या कलर, वो स्टार्टिंग लेयर जो होगी आपकी बिल्कुल लाइट लेयर लगानी है, फर्स्ट जो लेयर लगेगी। सेकंड लेयर में आपने पानी की कैपेसिटी कम कर देनी है, और थर्ड लेयर में बिल्कुल ड्राई कलर आपने यूज़ करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ओके फ्रेंड्स, तो आपने अकॉर्डिंग, जैसे ये एक सूखा हुआ ट्री है, पहले आपने ग्रीन स्ट्रोक लगाने हैं, उसके बाद आपने ऐसे स्ट्रोक लगाने हैं जैसे मतलब एक सूखे हुए ट्री के पत्ते वैसे बनाने हैं आपने, बीच बीच में ग्रीन और बीच बीच में आपने शैप ग्रीन और रेड का मिक्सर स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। तो आपने जैसे ये मैं जो वर्क कर रहा हूँ, ओवरऑल वर्क हम जो सीट है वो गीली है, मतलब वेट है वो बिल्कुल, तो हम वेट के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं ओवरऑल जितना भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू पिक्चर चलना है और वैसे वैसे स्ट्रोक लगाने हैं। अब देखो मैं कलर बिल्कुल ड्राई ड्राई यूज़ कर रहा हूँ और मैं पानी बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, और ड्राई ड्राई कलर में लीव्स वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पानी और लेंगे तो ये कलर हमारा बहकर नीचे की ओर चला आएगा, इसलिए हम ड्राई में ही वर्क कर रहे हैं। तो आपने ड्राई में ही वर्क करना है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पिक्चर चलना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्ट्रोक अब आएगा उसमें रेड ब्लैक और गोल्डन येलो मिला के हल्का सा वाटर लेंगे हम, और बस फिर आपने इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने चलना है इसमें, जैसे पिक्चर इन्होंने दे रखी है वैसा का वैसा वर्क करना है आपने, आराम से जितना हो सकता है बिल्कुल पिक्चर को देखते जाओ और आप अपना वर्क करते चले जाओ। स्टॉप।
अब हम मर्ज डिटेल के ऊपर आ गए हैं, जो हम डिटेलिंग दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है ये एक कमरा है पुराना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिटेल देंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग एक एक ईंट दिखाएंगे हम, ठीक है, और इसके अंदर हम डार्क स्ट्रोक हम बिल्कुल ड्राई ड्राई लगा रहे हैं, कहीं कहीं पे डार्क ड्राई स्ट्रोक, कहीं पे लाइट लाइट, अकॉर्डिंग जैसे वो लाइट पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके फिनिशिंग स्ट्रोक के ऊपर आ गए हैं, इसको हम फाइनल करेंगे। कब से बैठे हैं हम इसको बना रहे हैं, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे आज लाइव आर्ट करने को। वाटर कलर टेक्निक में, वाटर कलर टेक्निक में ये होता है कि रियलिस्टिक व्यू दिखता है, और दूर से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रियलिस्टिक दिखती है। आप देख भी रहे होंगे कि आज का जो हमारा वर्क है कितना मतलब रियलिस्टिक लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसके फिनिशिंग स्ट्रोक में हैं, डार्क टू लाइट स्ट्रोक निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमने डार्क टू लाइट स्ट्रोक निकाल के इसको हम फिनिशिंग पड़ाव के ऊपर लेके आए हैं। हमारा लास्ट लेवल जो है, हमारा लास्ट स्टेप जो है, वो हम अब इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके गाइस, क्लिप कर दे अब।
ओके गाइस, तो ये आज का हमारा जो वर्क था आज हमने ये कंप्लीट कर दिया। ओके तो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके साथ बेल भी जरूर दबा देना। ओके।